हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 12 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। आई होप द प्रीवियस चैप्टर्स आर क्लियर टू यू, एंड इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। एस योर स्कूल एग्जाम्स विद अनअकैडमी प्लस। दिस इज अबाउट द अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जिसमें मिल सकता है आपको फ्लैट 10% ऑफ इफ यू यूज द कोड SPGSS10। For more information, visit the Unacademy Learning app. You can download it free of cost from Google Play or App Store. And there you can see all the prizes. Use the invite code SPGSS10 to get the discount and to use the app. So moving forward, welcome to my class. My name is Gurleen Singh. I'm your maths educator. I have 2+ years of teaching experience through online and offline modes. Also qualified for assistant professor through the UGC NET exam. So let's talk about expressions. What are expressions? Expressions are formed by variables, constants and coefficients. For example, 4x plus 5. Ab constant kya hota hai? These are all the numerical values, either positive or negative. Theek hai? What are variables? Variables are symbols or alphabets, jiski koi definite value nahi hoti, and we have to find out their value if it is given in the form of an equation. और क्या होते हैं कोफिशियंट्स? कोफिशियंट्स होते हैं द नंबर्स दैट आर गेटिंग मल्टीप्लाइड विद द वेरिएबल्स। सो 4x plus 5 की बात करते हैं तो इसके अंदर 5 इज अ कांस्टेंट, राइट? देन वी हैव x, x इज आवर वेरिएबल, दिस इज अ वेरिएबल क्योंकि इसकी कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं है, वैल्यू वेरी करती रहेगी अकॉर्डिंग टू व्हाट नंबर आई असाइन टू इट। और जो मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे x के साथ, वेरिएबल के साथ, इसको कहते हैं हम अपना कोफिशियंट, दिस इज द कोफिशियंट। सिमिलरली अदर एग्जाम्पल्स आर 10y-24xy+7। इसमें है एक्स वाई है मेरा वेरिएबल, 4 इज अगेन माई कोफिशियंट एंड 7 इज माई कॉन्स्टेंट, राइट? ओके, अगर हम बात करते हैं 10y-20, तो इसके अंदर जो कॉन्स्टेंट आएगा ना, इट विल बी -20। वी ऑलवेज कीप द नेगेटिव साइन विद द नंबर इट सेल्फ, सो इट इज -20, नॉट जस्ट 20. Okay, so I hope what it is clear to you that what are expressions. It is made up of 3 basic things, that is variables in the form of x, y, z, p, q or anything. Then we have constant, that are our numerical values, either positive or negative, or the coefficients which are getting multiplied by the variables. Okay, talking about terms of an expression, theek hai? Terms are added to form an expression. For example, 4x² - 3xy has 2 terms. ठीक है, दैट इज 4x² एक टर्म है और -3xy दूसरी टर्म है। इट इज यूजली सेपरेटेड बाय अ माइनस और एडिशन साइन। ठीक है, टर्म्स आर कॉमनली मेड अप ऑफ वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स यू ऑलरेडी नो, इट इज एक्स वाई जेड एंड कॉन्स्टेंट्स आर न्यूमेरिकल वैल्यूज, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव 3x + 2y - 10, ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन के अंदर कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स होंगी, बिकॉज देर आर 3 वैल्यूज दैट आर सेपरेटेड बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो 3 टर्म्स होंगी, कौन सी? इट इज 3x। ठीक है, अब 3 और x को हम सेपरेट नहीं करेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3x इज 1 टर्म, देन 2y इज द सेकेंड टर्म, एंड थर्ड टर्म रिमेंबर इट्स -10, नॉट +10, इट्स -10। ठीक है, क्योंकि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3x + 2y + -10। ठीक है, ये -10 अलग टर्म है, प्लस माइनस होके वो माइनस बन जाते हैं। आई होप यू रिमेम्बर द लॉज ऑफ इंटीजर्स। सो इट हैज 3 टर्म्स, दैट इज 3x + 2y - 10, राइट? सो डोंट फॉरगेट टू पुट द नेगेटिव साइन विद द टर्म इटसेल्फ। लेट्स मूव फॉरवर्ड। देन वी हैव फैक्टर्स ऑफ अ टर्म। ठीक है, फैक्टर्स की बात करते हैं। अगर एक एक्सप्रेशन गिवन है आपके पास, दैट इज 5x² + 7x² इट कंसिस्ट ऑफ 2 टर्म्स, राइट? एंड उसको हमें कैसे बाइफोकेट करके हमें फैक्टर्स में बनाना है, दैट वी आर गोइंग टू लर्न। ओके ओके, दिस इज 5xy², राइट? चलो, ये एक्सप्रेशन है 5xy² + 7x² y। ठीक है, अब इसको सेपरेट करूंगी तो 2 टर्म्स होंगी, टर्म्स आर 5xy² and 7x² y, एंड फैक्टर्स क्या है? जब इन टर्म्स को आगे तुम फर्दर सेपरेट करते हो, यू नो व्हाट आर फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर, कि उसको मल्टीप्लाई करके वो नंबर आना चाहिए, राइट? जैसे अगर हम बात करते हैं 3 × 4, दीज आर फैक्टर्स ऑफ 12, राइट? 12 कैसे आ रहा है? बाय मल्टीप्लाइंग 3 एंड 4, और यू कैन ऑल्सो से 6 एंड 2 ऑल्सो,
अगर हमें कोई इसके सिर्फ फैक्टर्स को डिफाइन करना हो, 6, 2, 3, 4, 12, 1, दीज आर द फैक्टर्स, मतलब बेसिकली इन सबके टेबल में वो आता है या उनको मल्टीप्लाई करके ये नंबर बन रहा है. सो सिमिलरली जस्ट आई एम गोइंग टू सेपरेट द टर्म्स, दैट इज 5 × x × y × y, एंड इस तरफ क्या है 7 × x × x × y. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे प्राइम नंबर्स है, अगर यहाँ पे होता 10xy², तो इसको तो हम फर्दर भी सेपरेट कर सकते हैं, है ना, 5 × 2 × x × y × y, बट वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट. जो कांस्टेंट है उसको अलग से आपको फैक्टराइज नहीं करना है, जस्ट राइट द कांस्टेंट एज इट इज, एंड जो वेरिएबल्स हैं उनको सेपरेट आउट करके लिख दोगे. एक्स स्क्वायर है तो 2 बार x आ जाएगा, वाई स्क्वायर है तो 2 बार y आ जाएगा, यू नो दैट वे यू कैन सेपरेट इट. ओके, सो आई होप वॉट इज अ फुल एक्सप्रेशन, वॉट आर इट्स सेपरेट टर्म एंड वॉट आर द फैक्टर्स ऑफ द टर्म्स, इट इज क्लियर टू यू. तो इसमें 1 mark का क्वेश्चन आ सकते हैं. तो एंड ऑलवेज रिमेंबर, जो नेगेटिव साइन है वो साथ में जाएगा. अगर यहाँ पे होता -x² y, तो यहाँ पे फैक्टर में भी -7 आता. ओके, चलो मूविंग फॉरवर्ड, फैक्टर्स ऑफ द टर्म -4pq² इन द एक्सप्रेशन 4p² q² -4pq², तो ठीक है, अब हमसे फैक्टर्स पूछे, तो सबसे पहले इसके अंदर दोनों टर्म्स कौन सी होंगी, 9p² q², एंड सेकेंड टर्म क्या होगी, -4pq², एंड फर्दर उन्होंने इसके फैक्टर्स पूछे, सो लेट्स सेपरेट इट आउट, -4 × p × q × q, इस तरह से दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म. ओके, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन. मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट चीज अब हमें करनी है कोफिशियंट्स. नाउ व्हाट आर कोफिशियंट्स, आई गेव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन इन द स्टार्टिंग कि कोफिशियंट्स क्या होते हैं, जो वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं नंबर्स, दे आर नोन एज कोफिशियंट्स, राइट. द न्यूमेरिकल फैक्टर इज सेड टू बी द न्यूमेरिकल कोफिशियंट और सिंपली द कोफिशियंट ऑफ द टर्म, राइट. टर्म क्या है, फॉर एग्जाम्पल इट इज 15xyz, ठीक है, ओके सॉरी 15xyz, तो यहाँ पे जो कोफिशियंट है वो कितना आएगा, इट विल बी 15, और वेरिएबल क्या होंगे, x, y, and z. देन सेकेंड पे हमें गिवन है -30xy, तो न्यूमेरिकल कोफिशियंट की बात करें, मतलब जो नंबर की फॉर्म में होगा, दिस विल बी -30, एंड बचा क्या, दैट इज द वेरिएबल x and y, एंड इसके अंदर कोफिशियंट क्या होगा, -6, एंड बचा क्या, ab, दैट इज आर वेरिएबल, राइट. एंड अगर हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे होता 15xy, ठीक है, अब अगर मुझे नॉर्मल पूछते दैट वॉट इज द कोफिशियंट ऑफ x, ठीक है, दे हैवंट आस्क्ड मी व्हाट्स द न्यूमेरिकल कोफिशियंट ऑफ x, बस इतना पूछे कि इस टर्म में कोफिशियंट ऑफ x क्या है, तो x को छोड़ के जो भी बचता है, क्या बचा है मेरे पास, 15y, 15y इज द कोफिशियंट ऑफ x, ठीक है, उस वैल्यू को छोड़ के जो भी बचता है वो सारा कोफिशियंट हो जाता है. इसके अंदर -30xy के अंदर अगर वो मुझसे पूछे व्हाट इज द कोफिशियंट ऑफ y, ठीक है, तो क्या आएगा आंसर आएगा y को छोड़ के क्या बचा, -30x इज द कोफिशियंट ऑफ y, राइट. अगर पूछते कोफिशियंट ऑफ -30 कितना है, तो क्या बचता, xy इज द कोफिशियंट ऑफ -30, मतलब उस टर्म को छोड़ के जो भी उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. पर अगर स्पेसिफिकली न्यूमेरिकल कोफिशियंट पूछे तो आप सिर्फ -30 लिखोगे. ओके, चलो, आइडेंटिफाई इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस टर्म्स व्हिच आर नॉट कांस्टेंट्स गिव देयर न्यूमेरिकल कोफिशियंट्स, ठीक है, तो जो कांस्टेंट्स नहीं है उनको छोड़ के जो भी वेरिएबल है उसके मुझे न्यूमेरिकल कोफिशियंट्स देने हैं. जैसे इन द फर्स्ट केस वी कैन सी दिस इज 13 − y + 5y², तो 13 तो कांस्टेंट है, राइट, इसका कोई न्यूमेरिकल कोफिशियंट नहीं है. अब नेक्स्ट आया -y, -5 का न्यूमेरिकल कोफिशियंट क्या होगा, -1, क्योंकि y किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, -1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट्स वाई इट इज नेगेटिव y, ठीक है. अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा मीन्स इट्स -1. देन वी हैव 5y², अब y² का न्यूमेरिकल कोफिशियंट क्या होगा, 5, राइट. इन द सेकेंड टर्म लेट्स सी p² q का कोफिशियंट होगा 4, ठीक है, pq² का कोफिशियंट होगा -3, ओके, एंड ये क्या है, ये है मेरा कांस्टेंट, तो इसका भी कोई न्यूमेरिकल कोफिशियंट नहीं है. ओके, व्हाट आर द कोफिशियंट ऑफ x इन द फॉलोइंग, अब x का कोफिशियंट बताना है, इट इज इक्वल टू 4, इन दिस केस इट इज -1, एंड यहाँ पे कितना है, इट इज -5z, ठीक है, x को छोड़ के जो भी बचता है इट इज -5z इन दिस गिवन टर्म, तो वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी द कोफिशियंट ऑफ x. अगर न्यूमेरिकल कोफिशियंट पूछा होता तो मैं सिर्फ -5 लिखती, ओके, बट अदरवाइज इफ देर आर टू वेरिएबल्स एंड सिर्फ कोफिशियंट पूछे x का, तो x को छोड़ के जो भी उसके अंदर टर्म बच रही है दैट इज -5 एंड z, हम उसको लिख देंगे. ओके,
चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड. हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एक्सप्रेशन 13x2y. अब देखो 13x2y के साथ कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, ये एक सिंगल टर्म है जिसके अंदर फैक्टर्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं. सो देयर इज ओनली वन टर्म इन दिस एक्सप्रेशन. ठीक है, अगर अब मैं इसके साथ यहाँ पे 13x2y प्लस 9 लिख देती तो टू टर्म्स बन जाती, राइट? ओके, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सप्रेशन. तो इसके अंदर क्या होगा, x को छोड़ के क्या बच रहा है, -3z. सो दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x इन द गिवन एक्सप्रेशन. ठीक है, इसके अंदर क्या ध्यान रखना है कि नेगेटिव साइन हमेशा साथ में ही जाना चाहिए. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. एंड नेक्स्ट टॉपिक इज लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स. ठीक है, अब लाइक टर्म्स में क्या होते हैं, दीज आर द टर्म्स विच हैव द सेम वेरिएबल. ठीक है, जिसका सेम वेरिएबल होता है उसको हम कहते हैं लाइक टर्म्स. जैसे कि हो गया 2x एंड -7x, तो कोफिशियंट जो मर्जी हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, राइट, वी डोंट हैव टू केयर, सिर्फ वेरिएबल सेम होना चाहिए. यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है. देन -8x2 एंड 8x2. ठीक है, अब क्या है, सेम वेरिएबल एंड सेम पावर. ठीक है, वेरिएबल सेम है तो पावर भी उसकी सेम होनी चाहिए. मैं यहाँ पे ये नहीं लिख सकती कि 8x और -9x2 दोनों लाइक टर्म्स है, नो, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है. सो दीज आर नॉट लाइक टर्म्स, दीज आर इंटायरली डिफरेंट. देन वी हैव 13xy एंड -7xy, 5x2y एंड 3x2y, x मतलब 1x हो गया है ना, एंड 4x. सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ लाइक टर्म्स. अगर हम अनलाइक टर्म्स की बात करते हैं, देखो यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या है, y है. सो ऑब्वियसली दीज आर नॉट द सेम वेरिएबल्स. अब यहाँ x2 है और यहाँ x है, तो मतलब जो पावर्स है वो डिफरेंट है. ये xy है, ये xz है. देन वी हैव x2y, xy2, x एंड 4. ठीक है, वन इज अ वेरिएबल एंड वन इज अ कॉन्स्टेंट. सो ऑब्वियसली दे डोंट हैव द सेम वेरिएबल्स एट ऑल. सो दीज आर अनलाइक टर्म्स. तो अब जब हम कंबाइन करेंगे, जब हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो यू विल कम टू नो कि जो हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं सिर्फ लाइक टर्म्स को कर सकते हैं. ठीक है, आई कैन ऐड 2x प्लस 5x. कैसे, जो x है वो तो कॉमन आ गया. ठीक है, तो मतलब 2 एंड 5 को ऐड करना है, दैट इज 7x वुड बी माय आंसर. क्लियर टू एवरीवन? ओके, let's move forward. From the following expressions, 10pq, 7p, 8q, minus p square, q square. Okay, a bunch of terms are given to me. हम मुझे like terms लिखने की कौन कौन सी इसमें से like terms हैं. तो let's see कि variables कौन से same हैं. pq case जैसा similar जो मेरे को variable दिख रहा है, this one. So this is 10pq and -7pq are like terms. उसके अलावा लेट्स सी, पी के साथ कोई सिमिलर कोफिशियंट नहीं है, क्यू के साथ नहीं है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर नहीं है, -23 इज अ कॉन्स्टेंट, ए बी ए एंड बी. सो देर आर नो अदर लाइक टर्म्स, सिर्फ ये लाइक टर्म्स है. ऑल्सो वन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज, अगर 10pq होता और यहाँ पे -7qp होता, तो दीज आर द सेम थिंग्स, क्योंकि मल्टीप्लाई में किसी भी ऑर्डर में कर सकती हूँ, चाहे p इंटू क्यू करो या क्यू इंटू पी करो, योर आंसर इज गोइंग टू बी सेम. यू कैन इंटरचेंज इट ऑल्सो. सो दिस इज 10pq इज सेम एज -7qp और pq, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, 3ab, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, ओके, द थ्री लाइक टर्म्स आर. अब मुझे बताने इसमें से थ्री लाइक टर्म्स है और वो कौन सी हैं. सो लेट्स आइडेंटिफाई ab. ठीक है, ab के साथ सिमिलर है 5ab एंड -2ab. सो द थ्री लाइक टर्म्स आर 3ab, 5ab एंड -2ab आर द थ्री लाइक टर्म्स. ठीक है, उसके अलावा देर आर नो अदर लाइक टर्म्स इन द गिवन क्वेश्चन. ओके, अनदर प्रैक्टिस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टर्म्स इज अ पेयर ऑफ लाइक टर्म्स. तो इसमें से लाइक टर्म्स कौन सी है, x एंड xy आर नॉट, -xy2 एंड -2xy2. सो येस, ऑब्वियसली बी इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, क्योंकि दोनों का वेरिएबल क्या है, यहाँ पे है xy2 एंड इधर भी क्या है, -2 into xy2. सो दीज टू आर वॉट, दीज आर लाइक टर्म्स, मतलब सेम वेरिएबल है. यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 1 है, एंड y की पावर इज 2 इन बोथ द केसेस, राइट? ओके, मूविंग फॉरवर्ड, नाउ वी हैव टू डू टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस. फर्स्ट वन बीइंग मोनोमियल.
अब मोनो से पता लग रहा है सिंगल, मोनोमियल क्या होता है, एन एक्सप्रेशन विद ओनली वन टर्म इज नोन एज अ मोनोमियल. फॉर एग्जाम्पल 19xz, तो इसके साथ कुछ भी एड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, ये एक सिंगल टर्म है. देन माइनस 13k, 3z स्क्वायर, ओनली नंबर 10, एक सिंगल कॉन्स्टेंट भी मेरा मोनोमियल ही होता है. इट इज ऑल्सो अ एक्सप्रेशन विच कंटेन्स ओनली अ कॉन्स्टेंट. ठीक है, ओके. इट कैन बी एनी थिंग, ओनली पी. ठीक है, क्यू इन टू पी, देन एक्स वाई जेड, माइनस 4xyz, एनी थिंग, बस कुछ भी एड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है. जैसे मैं यहाँ पे प्लस 4 लिख दूँ, ये टू टर्म्स बन जाती हैं. सो दिस इज नॉट अ मोनोमियल एनी मोर. ओके, नेक्स्ट वी हैव अ बायनोमियल. एन एक्सप्रेशन विच कंटेन्स टू अनलाइक टर्म्स इज कॉल्ड अ बायनोमियल. सो बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस टू अनलाइक टर्म्स. ठीक है, टू अनलाइक टर्म्स है विच आर सेपरेटेड बाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. तो ये एक्स प्लस वाई है, एम माइनस 5 है, ठीक है, पी क्यू प्लस 4q है. सो यू विल सी दैट इन बोथ द साइड्स, जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के दोनों तरफ जो टर्म्स हैं वो अनलाइक टर्म्स है, दे डोंट हैव द सेम वेरिएबल. राइट, ओके. अगर मैं इसको लिखती हूँ एक्स, आई राइट 2x माइनस 4x. राइट, तो इन दिस केस यू सी यहाँ भी x है और यहाँ भी x है. ठीक है, दीज आर नॉट अनलाइक टर्म्स बट दीज आर लाइक टर्म्स. तो दोनों को सॉल्व करके कितना आंसर आएगा, माइनस 2x आएगा, विच इज अ सिंगल टर्म. राइट, सो दिस इज अ मोनोमियल, दिस इज नॉट अ बायनोमियल. ठीक है, सो बी वेरी पर्टिकुलर कि जो प्लस या माइनस से टर्म्स सेपरेटेड हैं वो दोनों अनलाइक टर्म्स होनी चाहिए, दे शुडंट बी लाइक टर्म्स, अदरवाइज उनको सॉल्व करेंगे और वो एक सिंगल टर्म बन जाएगा. ओके, देन वी आर टॉकिंग अबाउट अ ट्राइनोमियल. एन एक्सप्रेशन विच कंटेन्स थ्री अनलाइक टर्म्स. अब क्या ट्राई का मतलब होता है थ्री, तो कितना है, थ्री अनलाइक टर्म्स है, उनको हम कहते हैं ट्राइनोमियल. फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस वाई प्लस 7 ए बी प्लस ए प्लस बी, इस तरह से ऑल ऑफ देम हैव डिफरेंट वेरिएबल्स. ठीक है, जैसे ये 3x स्क्वायर है, पावर अलग है, माइनस 5x, x की पावर यहाँ 1 है एंड 2, सो दीज आर थ्री डिफरेंट टर्म्स. राइट, इफ आई राइट हियर x प्लस 2xy माइनस 4x, सो इज दिस अ ट्राइनोमियल, जस्ट थिंक अबाउट इट, थिंक फॉर 1 सेकेंड, इज दिस अ ट्राइनोमियल. येस, इट इज नॉट अ ट्राइनोमियल. क्यों, क्योंकि ये x है और ये x है एंड दीज आर टू लाइक टर्म्स. तो इनको मैं सॉल्व करूंगी, प्लस 1 माइनस 4, प्लस माइनस हो तो माइनस होते हैं, माइनस 3x प्लस 2xy, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मोनोमियल, इट इज नॉट अ ट्राइनोमियल. सो बी वेरी पर्टिकुलर कि ये जो तीनों वेरिएबल्स हैं ये अनलाइक टर्म्स होने चाहिए, तभी हम इसको ट्राइनोमियल बोल सकते हैं. लास्ट में वी हैव पॉलिनोमियल. सो पॉलिनोमियल है एक ब्रॉडर हेडिंग है विच इंक्लूड्स अ मोनोमियल, अ बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस. ओके, सो बेसिकली पॉलिनोमियल क्या होते हैं, एन एक्सप्रेशन विद वन और मोर टर्म्स इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल. ठीक है, तो ओके, अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ 2xy प्लस पी क्यू माइनस 2y माइनस 8x, ठीक है, प्लस आगे कुछ भी लिख रहे हैं, p लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं प्लस 20, लाइक दिस, जितने मर्जी टर्म्स हो. अब आप देखोगे सारे जो हैं अनलाइक टर्म्स हैं, ऑल ऑफ दीज आर अनलाइक टर्म्स. राइट, तो अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, वी हैव 6 अनलाइक टर्म्स. तो अब सबके लिए वी डोंट हैव अ नेम कि मोनोमियल है, बायनोमियल है, ट्राइनोमियल है. तो हम कहने के बजाय, इफ देयर इज अ गिवन एक्सप्रेशन लाइक दिस मेड अप ऑफ कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड कोफिशियंट्स, आई कैन से दैट इट इज सिंपली अ पॉलिनोमियल. ठीक है, सिंगल टर्म को भी पॉलिनोमियल कहते हैं, डबल टर्म को भी पॉलिनोमियल कहते हैं. ठीक है, एंड एनी नंबर ऑफ टर्म्स आर नोन एज पॉलिनोमियल्स. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट हेडिंग इज that get the algebraic expressions in the following cases using variables, constants and arithmetic operations. तो जिस तरह से हम लोग simple equations में क्या करते थे, simple equations में हम statement से equation बनाते थे, right? So in this also, in this case we are going to make expressions. Okay, 1/2 of the sum of numbers x and y, ठीक है, x and y का half, तो 1/2 × x/y कर सकते हो, और यू कैन ऑल्सो राइट x + y/2, मतलब इसको हाफ कर रहे हैं हम. नेक्स्ट है 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स p एंड q, 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है, तो ये कितना होगा, p × q होगा, और यू कैन ऑल्सो राइट इट एज pq/4, क्योंकि हम 1/4 कर रहे हैं. देन है नंबर्स x एंड y बोथ स्क्वेर्ड एंड एडेड, बोथ स्क्वेर्ड
एंड एडेड. पहले स्क्वायर किया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और फिर इसको ऐड किया. दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, अगर होता बोथ एडेड एंड स्क्वायर तो क्या लिखते, देन वी हैड एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर. बट इन दिस केस फर्स्ट वी आर स्क्वायरिंग द नंबर्स. देन वी हैव नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ एम एंड एन. ठीक है, 3 टाइम्स द प्रोडक्ट मतलब 3 इंटू एम एन, इसके अंदर नंबर 5 ऐड किया. सो दिस इज 3mn प्लस 5. नेक्स्ट वी हैव सम ऑफ नंबर्स ए एंड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट. सो सम कितना हुआ ए प्लस बी, प्रोडक्ट कितना हुआ ए इंटू बी. अब सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट है तो ए बी में से मुझे माइनस करना है ए प्लस बी एंड डोंट फॉरगेट टू पुट द ब्रैकेट, क्योंकि इनको ऐड करके पहले सम करके फिर हम माइनस कर रहे हैं इसके प्रोडक्ट में से. ठीक है, अगर हम बात करते हैं एडिशन की, जो जैसे यहाँ पे था 3mn प्लस 5, तो अगर आप इसको 5 प्लस 3mn लिख देते देन ऑल्सो योर आंसर रिमेन्स द सेम, क्योंकि एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता. बट यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखा है कि ए भी में से ही हमें माइनस करना है उसके सम को. ओके, आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशन गिवन बिलो. ठीक है, सो दिस वी हैव ऑलरेडी डन. आप पहले टर्म्स को सेपरेट करो. लेट्स डू वन पार्ट. माइनस 4x प्लस 5y. ठीक है, इसके टर्म्स क्या हुआ है माइनस 4x और सेकेंड टर्म क्या हुआ 5y. एंड वॉट आर इट्स फैक्टर्स, माइनस 4 इंटू एक्स एंड दिस इज 5 इंटू 5 एंड y. ठीक है, लाइक दिस डू इट फॉर क्वेश्चन बी एंड क्वेश्चन सी एज वेल. राइट, जहाँ पे स्क्वायर है, जैसे यहाँ पे 3y स्क्वायर है, तो जब आप फैक्टर्स लिखोगे तो y इंटू y कर देना. ओके, चलो क्लासीफाई इंटू मोनोमियल बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल. राइट, तो सिंगल टर्म है, कुछ एड सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, ये मोनोमियल हो गया. 3 अनलाइक टर्म्स है तो ट्राइनोमियल हो गया. दिस इज अगेन अ मोनोमियल, दिस इज अ बाइनोमियल. राइट, नाउ दिस इज पी स्क्वायर क्यू एंड पी क्यू स्क्वायर, सो दीज आर अनलाइक टर्म्स. तो ये हो गया बाइनोमियल एंड दिस वन इज अ ट्राइनोमियल. सो बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट लाइक एंड अनलाइक टर्म्स. ओके, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एंड टिपिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन. इसके अंदर क्या है, What is the coefficient of x in the expression 1 plus 2x plus xz? Okay? तो अब देखो यहाँ पे भी x आ रहा है और यहाँ पे भी x आ रहा है. ठीक है, सो आई वॉन्ट राइट कि 2 और z जो है कोफिशियंट है. कोफिशियंट तो एक ही होगा. एंड कोफिशियंट होता क्या है कि z x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, What is being multiplied with x? तो इस केस में मैं क्या करूँगी, आई विल टेक x कॉमन. अंदर क्या बचता है 2 plus z. तो जो x है वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 2 प्लस z से. सो कोफिशियंट ऑफ x क्या होगा इसके अंदर 2 प्लस z विल बी द कोफिशियंट. डोंट राइट 2 कॉमा z, इट विल बी 2 प्लस z. क्यों, क्योंकि जब मैं ब्रैकेट खोलूंगी तो x जो है अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है. दिस बिकम्स 2x प्लस 2z, सॉरी 2x प्लस zx. राइट, एंड वी गेट आर ओरिजिनल टर्म. सो जस्ट टेक आउट x कॉमन एंड जो इसके साथ वो मल्टीप्लाई हो रहा है वो उसका कोफिशियंट बन जाता है. ओके, आर लास्ट टॉपिक इज, इट इज द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. तो अब तक वी हैव स्टार्टेड दैट व्हाट आर एक्सप्रेशंस, व्हाट आर टर्म्स, व्हाट आर फैक्टर्स, व्हाट आर लाइक एंड अनलाइक टर्म्स. ठीक है, एंड नाउ वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. सो द फर्स्ट एंड द ओनली रूल ओवर हियर इज, ओनली द टर्म्स विद सेम वेरिएबल्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड. Hence, the like terms are combined and then the operations are performed on the expressions. Chalo, for example, let's take an example here. 5xy, right? Minus 10y, minus 7xy, right? And we have minus plus 18y. So, in this case, ab main 5xy aur minus 10y ka kuch nahi kar sakti, right? Because these are unlike terms. Toh, pehle hum kya karte hai? 5xy. माइनस 7xy को इकट्ठा लिख लेते हैं, फिर है माइनस 10 प्लस 18. नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू कंबाइन द लाइक टर्म्स. सो अब देखो इस केस में होता क्या है, xy को ना कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचता है 5 माइनस 7 विच इज माइनस 2xy. ठीक है, इस केस में क्या हुआ, अगर मैंने y को कॉमन ले लिया है, अंदर क्या बचता है माइनस 10 प्लस 18. ठीक है, विच इज इक्वल टू 8. ये हो गया 8y. तो ये पॉजिटिव है, तो मेरा आंसर कितना आएगा, इट विल बी 2x माइनस 2xy प्लस 8y. सो यू डोंट हैव टू, यू कैन स्किप दिस टेकिंग कॉमन वाला स्टेप. आप क्या कर सकते हो, सिंपली 5 और 7 को माइंड में यू कैन सॉल्व इट. 5 माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 2 और वेरिएबल्स एज इट इज पीछे आ जाएंगे.
देन माइनस 10 प्लस 18 प्लस माइनस हो तो माइनस होता है. सो दिस इज 8y एंड थस दिस इज योर आंसर, राइट? ओके, लेट्स सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस. सिंप्लीफाई कंबाइनिंग द लाइक टर्म्स. तो लेट्स डू वन थिंग, लाइक टर्म्स को इकट्ठे लिख लेते हैं. माइनस जेड स्क्वायर प्लस 13z स्क्वायर, देन वी हैव माइनस 5z माइनस 15z एंड प्लस 7z क्यूब. एक्स क्यूब लिख दिया, दिस इज जेड क्यूब. ठीक है, चलो माइनस वन है ये, जब भी कुछ नहीं होता इसको माइनस वन अज्यूम करो. प्लस माइनस हो तो माइनस होता है, सो 13 माइनस वन इज हाउ मच 12z स्क्वायर. ठीक है, माइनस माइनस हो तो प्लस होता है, 15 प्लस 5 कितना होता है माइनस 20z एंड लास्ट में क्या है प्लस 7z क्यूब. सो दिस इज योर आंसर. ठीक है, ओके, लेट्स सी द सेकंड वन. नाउ वी आर गोइंग टू ओपन द ब्रैकेट्स P into, अब देखो यहाँ पे माइनस है तो जो भी ब्रैकेट के अंदर के साइन है वो चेंज हो जाते हैं. दिस इज P माइनस P प्लस Q. ठीक है, दिस इज माइनस वन इंटू माइनस इज प्लस, देन वी हैव माइनस Q प्लस P. ठीक है, अगेन द साइंस आर गेटिंग चेंज. ये माइनस प्लस Q था माइनस Q हो गया एंड ये माइनस Q था प्लस माइनस P था प्लस P हो गया. सो नाउ लेट्स सी, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए. ठीक है, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू इज ऑल्सो गेटिंग कैंसिल आउट. बचता क्या है माइनस क्यू प्लस पी एंड थस दिस इज माई आंसर, राइट? ओके, नेक्स्ट वी हैव एड द फॉलोइंग. ओके, फर्स्ट लेट्स एड द फर्स्ट क्वेश्चन. 3mn माइनस 5mn, ठीक है प्लस माइनस हो तो सीधा मैं डायरेक्ट माइनस लिख रही हूँ. 8mn माइनस 4m इंटू एन. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पॉजिटिव है उनको ऐड कर लेते हैं. ठीक है, 8, 9, 10, 11, ये हो गया 11mn. ठीक है, माइनस 5, माइनस 4 कितना होता है माइनस 9mn. सो प्लस माइनस इज माइनस 9, 10, 11, दिस इज 2mn इज माय आंसर. ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आई होप आपको इंटीजर्स वाला चैप्टर अच्छे से आता है एंड यू विल बी एबल टू डू इट. देन वी हैव माइनस 7mn प्लस 5, अगली टर्म है 12 इंटू mn प्लस 2, देन वी हैव 9mn माइनस 8, देन माइनस 2mn माइनस 3, राइट दिस. ठीक है, सो जो लाइक टर्म्स है उनको कंबाइन कर लेते हैं. लेट्स कंबाइन दीज. सो माइनस 7 प्लस 12 इज गोइंग टू गिव यू 5. ठीक है, ओके, जस्ट अ सेकंड. ओके, सो वी माइनस 7 प्लस 12 दिस इज प्लस 5mn. ठीक है, देन वी हैव 9 एंड माइनस 2, सो दिस इज प्लस 7mn. ठीक है, फिर क्या है प्लस 5 प्लस 2 माइनस 8 माइनस 3, सो दिस इज 5 6 7, दिस इज माइनस 1 एंड माइनस 4. तो ये कितना हो जाएगा, 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 12mn माइनस 4 शुड बी योर आंसर. तो बेसिकली आप जैसे मर्जी कर सकते हो. यू कैन लाइक, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन राइट द लाइक टर्म्स टुगेदर, देन यू कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट देम एंड देन यू विल गेट योर आंसर. ओके, मूविंग फॉरवर्ड. ओके, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रॉम द सम ऑफ 2y² प्लस दिस, देन दिस टर्म एंड दिस टर्म, इन तीनों को ऐड करके वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस. तो पहला स्टेप करते हैं, लेट्स ऐड दीज टर्म्स. सो दिस इज 2y² प्लस 3yz प्लस, माइनस माइनस होता है तो माइनस y² माइनस yz माइनस z² एंड थर्ड टर्म क्या है yz प्लस 2z². ठीक है, सो लेट्स राइट द लाइक टर्म्स टुगेदर. 2y² माइनस y² और कहीं y² है नहीं है. देन वी हैव 3yz माइनस yz एंड यहाँ पे प्लस yz था. ठीक है, देन वी हैव व्हाट एल्स आर वी लेफ्ट विद, ओके माइनस z² प्लस 2z². ये मैंने सारी लाइक टर्म्स को जो है इकट्ठा करके लिख दिया. नाउ आई कैन सॉल्व देम. सो 2y² माइनस y² कितना हुआ, दिस इज y², दिस इज गोइंग टू गिव मी प्लस yz प्लस 2yz. ठीक है, ओके ओके, दिस इज गेटिंग कैंसल्ड आउट, तो ये प्लस 3yz ही आएगा. देन वी हैव प्लस z², तो ये मेरी इक्वेशन वन हो गई. अब क्या करना है, इन दोनों को ऐड करते हैं. 3y² माइनस z² माइनस y² प्लस yz प्लस z². ठीक है,
तो ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस इज गेटिंग कैंसल्ड आउट, 3y² - y² इज 2y² + yz, तो ये मेरी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब इन्होंने पूछा क्या था, सब्ट्रैक्ट इसके सम में से दूसरे का सम माइनस करना है, सो लेट्स डू इट, y² + 3yz + z² में से मैं माइनस कर रही हूँ व्हाट, 2y² - zx, ठीक है। तो जब ये बाहर में माइनस लगा रही हूँ तो अंदर के साइन चेंज हो रहे हैं, राइट। सो लेट्स सॉल्व दिस, दिस इज गोइंग टू गिव मी -y², दिस इज +2yz एंड दिस इज z². सो बेसिकली दिस शुड बी योर आंसर। आई होप सबका आंसर मेरे साथ मैच हो रहा है, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन एंड आई विल सॉल्व व्हाट योर डाउट्स देयर। ओके, एड द फॉलोइंग, ठीक है, एड करते हैं 4x² y, प्लस माइनस हो तो 3x² y माइनस 7xy² प्लस 7xy². सो इन दिस केस ये हो जाएगा 4 - 3 कितना होता है 1, सो दिस इज 1x² y एंड दिस गेट्स कैंसल्ड आउट क्योंकि प्लस माइनस है, सो द राइट आंसर इज योर ए ऑप्शन, दैट इज x² y। ओके, नेक्स्ट वी हैव सब्ट्रैक्शन, लेट सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो पहले हम लिखेंगे 4m² - 3mn + 8 माइनस, अब ब्रैकेट लगा लो, जब भी माइनस का साइन बाहर आ रहा है ब्रैकेट लगा के दूसरी टर्म लिखनी है हमेशा, सो दैट व्हेन आई ओपन द ब्रैकेट आई डोंट मेक एनी मिस्टेक। सो दिस इज 4m² - 3mn + 8, दिस इज +m² - 5mn, ठीक है, अंदर के साइन जो है वो ऑपोजिट हो जाते हैं, अगर बाहर माइनस साइन होता है दिस बिकम्स प्लस एंड दिस बिकम्स माइनस, सो 4m² + m² इज 5m² माइनस 3mn एंड माइनस 5mn इज इक्वल टू -8mn + 8, सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। आई होप यू सॉल्विंग इट अलोंग विद मी एंड यू डोंट हैव एनी डाउट। नेक्स्ट वी हैव, इसमें से मुझे सेकेंड टर्म को माइनस करना है, 3ab - 2a² - 2b² -5a² - 7ab + 5b² डोंट फॉरगेट टू पुट द ब्रैकेट एंड देन वील ओपन इट, 3ab - 2a² - 2b² - 5a² + 7ab - 5b², ठीक है। ओके, लेट्स सॉल्व इट, 3ab और कौन सी लाइक टर्म है, 7ab, सो दिस बिकम्स 10ab, ठीक है, -2a² - -5a² - -7a², देन वी हैव -2b² - -5b², सो दिस इज ऑल्सो -7b², सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप सबका आंसर मेरे साथ मैच हो रहा है, ठीक है। ओके, वॉट शुड बी टेकन अवे फ्रॉम दिस टू ऑब्टेन दिस, ठीक है, तो उसका मतलब है जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 में से मैं क्या माइनस करूँ कि मेरा आंसर जो है फॉर एग्जाम्पल आ जाए 5, ठीक है। तो ये जो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूँगी, x को इधर ले जाती हूँ, 5 को इधर ले आती हूँ, है ना, सो दिस इज 10 - 5 = x, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 5, तो मतलब मुझे 10 में से 5 को माइनस करना है 5 लाने के लिए, और वो मुझे पता कैसे चला, ठीक है। वॉट शुड बी टेकन अवे फ्रॉम z, मतलब जब मैंने 10 में से आंसर को माइनस किया तो मेरा आंसर आ गया x, सो बेसिकली फ्रॉम दिस इक्वेशन एक्सप्रेशन 1 वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट एक्सप्रेशन 2, ठीक है। चलो लेट्स इरेज दिस, (3x²) - 4y² + 5xy + 20, ठीक है, इसमें से माइनस करना है मुझे -x² - y² + 6xy + 20। नाउ आई एम गोइंग टू ओपन द ब्रैकेट्स, 3x² - 4y² + 5xy as it is, ये लिखते हैं, फिर अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +x² + y² - 6xy - 20, कूल। चलो लेट्स कंबाइन द लाइक टर्म्स, 3x² + x² इज हाउ मच, 4x² - 4y² और क्या है y², सो दिस बिकम्स -3y², फिर वी हैव 5xy एंड -6xy विच इज -xy, देन वी हैव 20 एंड -20, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस माइनस, सो दिस शुड बी योर आंसर। मतलब अगर मैं इस इक्वेशन 1 में से
ठीक है, इस इक्वेशन को आंसर को माइनस करती हूँ तो मेरा आंसर ये आना चाहिए, ठीक है। सो डू ट्राई इट, ठीक है, ट्राई करके देखो, इस आंसर इसमें से आंसर को माइनस करो एंड देखो इफ यू आर गेटिंग इक्वेशन एक्सप्रेशन टू और नॉट। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। Just a second. Okay, from the sum of 4 plus 3x and 5 minus 4x plus 2x square, subtract the sum of 3x square minus 5x and this. ठीक है, इन दोनों के सब में से सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों का सम। सो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, दोनों को ऐड करो एंड देन टेल मी द आंसर कि क्या आना चाहिए। ओके, एंड डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि ऑप्शंस में से क्या आंसर आना चाहिए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू गॉट इट। ठीक है, जस्ट गिव मी वन सेकेंड। जो भी हमने एक्सप्रेशंस में किया कि व्हाट आर कोफिशिएंट्स, व्हाट आर वेरिएबल्स, राइट, हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट देम, so you just have to keep in mind that where what are the like terms and that then we'll be able to do it. अब हम करते हैं एक छोटा सा topic, that is how to find out the value of the expression. Okay, find the value of the expression a cube b cube plus c cube minus 3abc. ठीक है, so this is 2 cube, जहाँ जहाँ पे a, जहाँ पे भी a की value है, जहाँ पे भी a cube है वहाँ पे हम a की value put कर देंगे। so this is 2 cube plus 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब माइनस 3 इंटू दिस इज 2 इंटू 3 इंटू 4। ठीक है, सो लेट्स डू इट, लेट्स सॉल्व दिस। सो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, दिस इज 8, ठीक है, दिस इज 27, दिस इज 4, 4 इज 16, 16 4 इज 64 माइनस, नाउ 4 3 इज 12, 12 2 इज 24 एंड 24 इंटू 3 इज गोइंग टू गिव मी माइनस 72। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है इसके अंदर, जब भी मुझे एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो जो भी मेरी न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स है उसको हम पुट कर देंगे। ओके, नाउ लेट्स जस्ट ऐड व्हाट द पॉजिटिव टर्म्स, 8 प्लस 27 प्लस 64 इज इक्वल टू 99 माइनस 72 इज गोइंग टू गिव मी हाउ मच, इट इज इक्वल टू 27। सो 27 इज द राइट आंसर। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। Now let's talk about the Unacademy subscription features, which has a lot of benefits and very very less cost. Like you can learn live from the comfort of your home, घर बैठे बैठे आराम से पढ़ो, कहीं भी इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। Top educators of the country are going to be teaching you. Regular doubt solving sessions होंगे, सारा syllabus अच्छे से cover किया जाएगा। You will get the study material in the form of PDF. आपको notes मिलेंगे हर chapter के, हर subject के PDF की form में। Practice test, live test series, batch courses. So basically, all your subjects, all your chapters will be covered in the plus subscription only. Pricing की बात करें तो we have different packages, 3 months, 6 months, 12 months, 15 months, आप कोई भी package ले सकते हो. And the best thing is you can pay per month also. जैसे फॉर एग्जाम्पल यू आर टेकिंग अ पैकेज ऑफ लेट्स से 12 मंथ्स, ठीक है, तो टोटल पैकेज है रुपीज 15,000 का एंड पर मंथ यू हैव टू पे ओनली रुपीज 1250। सो 1250 रुपए में आपके सारे सब्जेक्ट्स एंड सारे चैप्टर्स कवर हो रहे हैं। यूज द कोड SPGSS10 फॉर 10% ऑफ। अगर आपको इंस्टेंट 10% ऑफ चाहिए, ठीक है, गो टू द अनअकैडमी लर्निंग ऐप, मेक योर प्रोफाइल, लुक एट द प्राइजेस एंड यूज द इन्वाइट कोड SPGSS10 for getting 10% off. Iconic की बात करें तो इसमें प्लस के सारे फीचर्स के साथ साथ यू गेट अ पर्सनल मेंटर, राइट, लाइव डाउट सोल्यूशन, वीकली रिपोर्ट, स्टडी प्लानर, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू गेट एंड पेरेंट कनेक्ट। सो बेसिकली एक टीचर एक सब्जेक्ट, फॉर एवरी सब्जेक्ट यू गेट एन इंडिविजुअल टीचर, सो यू कैन आस्क ऑल योर डाउट्स टू द टीचर। तो आपको स्पेशल फोकस एंड स्पेशल अटेंशन मिल रहा है, आपको बताया जाएगा कैसे पढ़ें, कैसे आप एस कर सकते हो अपने एग्जामिनेशंस को। सो बेसिकली हाथ पकड़ के यू कैन हम आपको टॉप करवा सकते हैं। एनीवे, इसके भी डिफरेंट पैकेजेस हैं, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ्स, यू कैन सब्सक्राइब टू एनी पैकेज एंड इसमें भी पर मंथ पेमेंट कर सकते हो आप। फॉर एग्जाम्पल 18 मंथ्स का अगर पैकेज लेते हो, 35,000 इज द कॉस्ट, बट देन पर मंथ 2,000 रुपये से भी कम है और आपको पर्सनल मेंटर प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है, इन सच लेस कॉस्ट फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। यू ऑल्सो गेट 10% ऑफ इफ यू यूज द कोड SPGSS10। सो दैट्स ऑल for today. Don't forget to like, subscribe and share to our channels and let's crack it with Unacademy. Thank you so much.